हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन सोसाइटी। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना लेबर कार्ड घर बैठे रिन्यूअल कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आज की इस वीडियो में आप पूरी प्रोसेस सीख जाएंगे, जिससे आप घर बैठे ही अपने लेबर कार्ड को 1 साल से लेकर 3 साल तक रिन्यूअल ईजिली कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेबर कार्ड रिन्यूअल करने के लिए सबसे पहले आप ये वेबसाइट ओपन कर लेंगे, onlinesociety.in। के बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर पर ही एक UPBOCW रिन्यूअल करके लेबर कार्ड रिन्यूअल कैसे करें, इसका एक पोस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपको ये पोस्ट नहीं मिलती है तो डायरेक्टली यहाँ पर लेबर कार्ड रिन्यूअल सर्च करेंगे तो यहाँ पर ये पोस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगी। वैसे डायरेक्ट पोस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही देखने के लिए मिल जाएगा। जब ये पोस्ट ओपन होगी तो यहाँ पर आपको जो आपका लेबर कार्ड रिन्यूअल करने की पूरी प्रोसेस और जो इम्पोर्टेंट लिंक है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पर लेबर कार्ड रिन्यूअल करने के यहाँ पर आपको 5-6 स्टेप रहेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको बताई है। जो 1 साल का रिन्यूअल चार्ज है वो यहाँ पर आपका 20 रुपये जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप 2 साल का करते हैं तो 40 रुपये और 3 साल का करते हैं तो 60 रुपये जाएगा। तो यहाँ पर आप मैक्सिमम अपना जो लेबर कार्ड है 1 से लेकर 3 साल तक के लिए रिन्यूअल कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेबर कार्ड रिन्यूअल करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप पर आना है। यहाँ पर ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन होकर आ जाएगी। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको सिरमिक पर क्लिक करना है एंड यहाँ आपको सबसे पहले अपना नवीनीकरण देखना है। तो यहाँ पर आपको नवीनीकरण की स्थिति पर क्लिक कर देना है। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको अपनी पंजीयन संख्या दर्ज कर देनी है। अगर आपको पंजीयन संख्या नहीं पता तो सिंपली यहाँ पर आपको सिरमिक पर आना है, पंजीयन की स्थिति पर आना है। तो यहाँ पर आपको एक आधार संख्या नाम का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप अपना आधार नंबर और कैप्चा को फिल करके जैसे ही सर्च पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी पंजीयन संख्या ओपन होकर आ जाएगी। तो हमें फिलहाल पंजीयन संख्या पता है तो नवीनीकरण की स्थिति पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पर पंजीयन संख्या डालेंगे जो आपकी 0920 से स्टार्ट होगी। उसके बाद सिंपली कैप्चा को फिल करेंगे एंड यहाँ सर्च पर क्लिक कर देंगे। सर्च पर आप जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो उनका रिन्यूअल है यहाँ पर 10/9/2020 से 10/9/2021 तक का रिन्यूअल था, तो आज हो चुकी है 3/9/2022। तो इनका जो रिन्यूअल है ऑलरेडी काफ़ी एक्सपायर हो चुका है। तो यहाँ पर आप नवीनीकरण की राशि देख सकते हैं, उसके बाद अगर कुछ पेनाल्टी होती तो वो भी यहाँ पर आपको शो हो जाती है। अब इस पे यहाँ पर आपको नवीनीकरण करना है, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे एंड यहाँ पर आपको नवीनीकरण का एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अगेन थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड सिरमिक की बाकी डिटेल्स ओपन होकर आ जाएगी, जिससे मोबाइल नंबर के आखिरी 4 डिजिट, आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, FSC कोड, वो सारी डिटेल्स ओपन होकर आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको नवीनीकरण की अवधि चुनने पर क्लिक करके नवीनीकरण की अवधि चुन लेना है। तो 1 साल का रिन्यूअल होता है 20 रुपये का, तो यहाँ पर 2 साल का करेंगे 40 का, 3 का करेंगे 60 का। तो जितने भी वर्ष का आपको रिन्यूअल करना है वो वर्ष यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए हमें 1 साल का रिन्यूअल करना है तो सिंपली एक वर्ष को हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया, हमारा पेज रिफ्रेश होगा। अगेन हमें थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है एंड हमें यहाँ पर नवीनीकरण जमा करें पर क्लिक कर देना। तो नवीनीकरण जमा करें पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही यहाँ पर आपका जो पेमेंट पोर्टल है वो ओपन होकर आ जाएगा एंड यहाँ पर फीस देख सकते हैं, हमारी 20 रुपये की फीस का पेमेंट होगा। इससे पहले मैं यहाँ पर आपको एक बात और बता दूँ, आपका जो रिन्यूअल है आप एडवांस में नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आपका जो रिन्यूअल है एक्सपायर हो रहा है 10/9/2022 के लिए, आज 3/9/2022 है, तो यहाँ पर आप ना 8 को ना 9 को, आप 10 के बाद ही आप अपना रिन्यूअल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप CSC से कराते हैं तो CSC से आप अपना जो रिन्यूअल है एडवांस में करा सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद से अपना रिन्यूअल कर रहे हैं तो आप एक्सपायर होने के बाद ही रिन्यूअल कर पाएंगे, आप एडवांस में रिन्यूअल नहीं कर पाएंगे। तो आपका जैसे ही एक्सपायर होता है उसके नेक्स्ट डे ही आप अपना रिन्यूअल ईजिली कर पाएंगे। तो अब यहाँ पर आपको पेमेंट के कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अदर बैंक डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, QR और UPI भी मिल जाएगा। तो हमें QR से पेमेंट करना है तो QR को सिलेक्ट करेंगे एंड मेक पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद प्रोसीड विद पेमेंट पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर जो हमारा QR है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर UPI ID डालने का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पर स्कैन, क्लिक हियर टू स्कैन QR का ऑप्शन मिल जाएगा। तो QR पर जैसे क्लिक करेंगे हमारा QR आ जाएगा। उसके बाद चाहे फ़ोनपे, पेटीएम, किसी से भी आप अपने इस QR को स्कैन करेंगे एंड यहाँ पर अपना 20 रुपये का पेमेंट कर देंगे। जैसे ही हमारा पेमेंट होगा आप देख सकते हैं हमारा पेज रिफ्रेश होगा। पेज रिफ्रेश होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आ जाएगा थैंक यू, हमारी आवेदन संख्या, पंजीयन शुल्क आ जाएगा, भुगतान की तिथि 3 तारीख आ जाएगी, भुगतान नंबर आ जाएगा। तो अभी हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है एंड हमारा लेबर कार्ड भी सक्सेसफुली रिन्यूअल हो चुका है। चेक करने के लिए अगेन से आप वेबसाइट पर जाएंगे, लिंक पर क्लिक करेंगे तो अगेन से यही वाली हमारी वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। वेबसाइट ओपन होने के बाद अगेन से हमें सिरमिक पर क्लिक करना है, नवीनीकरण की स्थिति पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर अपनी पंजीयन संख्या डालकर कैप्चा को फिल करेंगे एंड यहाँ सर्च पर क्लिक कर देंगे।
सर्च पर जैसे क्लिक करेंगे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पहले हमारे नवीनीकरण की डेट थी 10/9/2021 वो अब 10/9/2022 हो चुकी है। और यहाँ पर आप जमा की तिथि भी देख सकते हैं, हमने 3/9/2022 के लिए पेमेंट किया है। यहाँ पर नीचे आप डेट भी देख सकते हैं 3/9/2005 ही है। तो आप इस तरीके से अपना जो लेबर कार्ड है उसे रिन्यूअल कर सकते हैं। हमने यहाँ पर इसे एक साल का किया, आप चाहें तो इसे 3 वर्ष तक का आप रिन्यूअल इजीली कर सकते हैं। चाहे आप CSC से कराएं तब भी 3 साल तक का रिन्यूअल करवा सकते हैं, खुद से करना चाहें तब भी 3 साल तक का रिन्यूअल कर सकते हैं। लेकिन आप एक बात ध्यान रखें, आप एडवांस में अपना रिन्यूअल नहीं कर सकते हैं, जब आपकी डेट निकल जाएगी उसके बाद ही आप खुद से रिन्यूअल कर पाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो में बताई पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। और फ्रेंड्स, आपके लेबर कार्ड में फैमिली मेंबर ऐड नहीं है तो इसके ऊपर मैं फुल डिटेल एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसको देखकर आप सीख सकते हैं आप अपने लेबर कार्ड में अपने फैमिली मेंबर्स को ऐड कैसे करा सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो से रिलेटेड कुछ भी समझ में नहीं आया हो या फिर लेबर कार्ड से रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन होता है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।